चलिए स्टार्ट करते हैं। नया चैप्टर है, नाम है इसका टैक्स रेट्स। बेसिकली जब हम बात करते हैं टैक्स रेट्स की, तो हर साल गवर्नमेंट, मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया था कि फाइनेंस एक्ट इश्यू करती है, जिसको हम लोग आम बजट या बजट के नाम से जानते हैं। बोलो, जैसे ये जो चल रहा है आपका फाइनेंस एक्ट 2023, कौन सा एक्ट है, कैसे मालूम? कौन सा एक्ट है, क्या है, कैसे मालूम? अब बोलो लिखा है हम गलत नहीं लिख सकते। 2023 ये फाइनेंस एक्ट है। बजट कब, घर पे बजट कब बनता है, सैलरी मिलने के बाद या सैलरी मिलने से पहले? पहले। यहां पर भी गवर्नमेंट जो है अपने खर्चों का बजट बना लेती है, उस हिसाब से कमाई के बारे में सोचती है। अच्छा, हमें ये अच्छी तरह मालूम है, इनकम टैक्स हमेशा 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, 31 मार्च पे एंड होता है। अगर हम इस साल की बात करें तो 23-24 हमारा ये प्रीवियस ईयर है, ये तो हम पहले भी बता चुके हैं। इसका असेसमेंट ईयर होगा 24-25। आया ना, आया ना। प्रीवियस ईयर एक साल से कम का भी हो सकता है, असेसमेंट ईयर भी एक साल से कम का, ये हमेशा एक साल का ही रहेगा। प्रीवियस ईयर एक साल से कम का हो सकता है। अगर ड्यूरिंग द ईयर हमने बीच में कभी बिजनेस स्टार्ट किया, तो मेरा प्रीवियस ईयर उसी डेट से स्टार्ट होगा। आया? अच्छा, दूसरी चीज, ये जो प्रीवियस ईयर चल रहा है, ये मेरा कंटिन्यूएंस में चल रहा है, जिस पर हमारा टैक्स लगेगा। कब लगेगा? साल खत्म होने के बाद। नॉर्मल अगर लैंग्वेज में बात की जाए कि एज एंड व्हेन द प्रीवियस ईयर एंड, द अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स, द अमाउंट ऑफ इनकम विल बी कैलकुलेटेड। जैसे ही ईयर एंड होगा, विल स्टार्ट टू कैलकुलेट आवर इनकम, एंड ऑन दैट इनकम वी विल अप्लाई द टैक्स रेट्स। हाँ या ना, जो आएगा दैट इज योर इनकम टैक्स। पक्की बात। ये जो टैक्स रेट होते हैं कहां से आते हैं? इसी फाइनेंस एक्ट से आते हैं। नहीं समझ में आई बात? कहने का मतलब ये हुआ कि 2023 फाइनेंस एक्ट ने हमको पहले ही बता दिया है कि बेटा हमने तो अपना बना लिया, सरकार ने, खर्चा और इनकम। अब तुम भी अपना हिसाब किताब सोच करके चलना कि अगर तुम कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अर्न कर रहे हो, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अर्न कर रहे हो, जो चल रहा है इस पर ये टैक्स रेट लगेगा फ्यूचर में, ये मानकर चलो। अब समझ में आएगा? पक्का। तो हमें आज की रेट में जो भी हम इनकम या एक्सपेंडिचर करते हैं, एडवांस में हमको पहले ही बताया जा चुका है कि इस साल उसका क्या टैक्स रेट वगैरह होगा, है कि नहीं? चले, ये टैक्स रेट्स हमको बताए गए हैं असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए। किसके लिए बताए गए? यही तो हमारा ईयर चल रहा है। नॉर्मल अगर देखा जाए तो कहा जाता है सारे हेड्स ऑफ इनकम जोड़ लो, प्लस क्लबिंग कर लो, माइनस सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड कर लो। जो इनकम आएगी वो ग्रॉस टोटल इनकम होगी, ये हम सेक्शन 4 पढ़ाते समय बता चुके थे। ऑल 5 हेड्स ऑफ इनकम ऐड कर लो, इस पे क्लबिंग कर लो, माइनस सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड एंड लॉसेस कर लो, कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। जो आएगा इसको हम लोग ग्रॉस टोटल इनकम का नाम देते हैं, शॉर्ट में ये GTI कहलाता है। इस GTI में से सेक्शन 80C to 80U, जिसको हम चैप्टर 6A के नाम से जानते हैं, उसका डिडक्शन मिल जाता है। माइनस
जो आएगा ये होगा टैक्सेबल इनकम, इसको हम लोग दूसरा नाम भी देते हैं टोटल इनकम। इस टैक्सेबल इनकम पर टैक्स रेट मल्टीप्लाई कर लो या अप्लाई कर लो, जैसा भी हो, आपके सामने क्या आ जाता है, इनकम टैक्स। इसमें इंटरेस्ट जोड़ दो, पेनाल्टी जोड़ दो, फीस हो तो फीस जोड़ देना, बोलो पक्का। चल बाद में बताते हैं। प्लस कर दो सरचार्ज, प्लस कर दो SHG, जो आएगा टोटल टैक्स आएगा। इसमें से TDS, TCS, एडवांस टैक्स, सेल्फ असेसमेंट टैक्स माइनस कर दो, बोलो। ये आ गया आपका नेट टैक्स लायबिलिटी। ये हिसाब बताया था मैंने सेक्शन 4 में, अगर याद हो तो, चार्जेस ऑफ इनकम टैक्स। देखो 87 हम छोड़ दिए, अभी आ जाएगा 87, यहां पर हम एडजस्ट करना भूल गए, लेकिन आ जाएगा अभी, रिबेट जिसको कहा जाता है। तो डिडक्शंस देने के बाद जो आया इसको हम टोटल इनकम या टैक्सेबल इनकम कहते हैं, ठीक है ना। ग्रॉस टोटल इनकम, सॉरी ग्रॉस टोटल इनकम में डिडक्शन टैक्सेबल इनकम। अच्छा जरा देखो, तो हमारे पास, हम लोगों ने कई बार क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, उसमें कई बार नाम आया 115 BAC, आया ना, कई बार आया, ऑप्टिंग आउट या शिफ्टिंग आउट का नाम लिया था डिडक्शन चैप्टर पढ़ाते समय, या कब कुछ भी पढ़ाया तो मैंने ये बार बार नाम लिया, सैलरी हुआ, कैपिटल गेन हुआ, PGBP हुआ, तो ये नाम आया। आज हम इसको डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। गवर्नमेंट खुद परेशान है और खुद परेशान करती भी है। गवर्नमेंट खुद परेशान है क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है लोगों को सिंप्लीफाइड तरीका दिया जाए टैक्स पेमेंट करने के लिए, एक ऐसा सिस्टम लाया जाए जिसमें लोगों को कैलकुलेशन कम से कम करनी पड़े और खुद वो कैलकुलेट करके हमें टैक्स दे दें, ये ज्यादा बेटर है। तो गवर्नमेंट उस चीज को प्रमोट करने के लिए ट्रेडिशनल टैक्स सिस्टम को धीरे धीरे कम कर रही है। ट्रेडिशनल टैक्स सिस्टम क्या था, वो टैक्स स्लैब पर बेस्ड था, नया वाला भी टैक्स स्लैब पर बेस्ड है। पुराने वाले सिस्टम में गवर्नमेंट ने कहा था कि हम जो आपके ऊपर टैक्स लगाएंगे वो लगाएंगे, पहले 2.5 लाख पर कोई टैक्स नहीं रहेगा। अगर आपकी इनकम 2 लाख रुपए है तो आपके ऊपर कोई टैक्स, लेकिन अगर आपकी इनकम 2.5 लाख तक है तब तो ठीक है। जो टैक्सेबल इनकम आई थी ना, GTI में से डिडक्शन देने के बाद टैक्सेबल इनकम आई थी ना, उस टैक्सेबल इनकम की बात कर रहे हैं जिस पर हम टैक्स कैलकुलेट करते हैं, टैक्स रेट अप्लाई करते हैं। अगर वो 2.5 लाख तक है तब तो आपके ऊपर कोई टैक्स नहीं, लेकिन अगर वही इनकम आपकी 2.5 लाख से ऊपर और 5 लाख तक है, तो जो 2.5 लाख के ऊपर की इनकम है 5 लाख तक, उसके ऊपर 5% का टैक्स रेट लगेगा। ये ट्रेडिशनल सिस्टम बता रहे हैं जो चल रहा था काफी सालों से, और मैं ये नहीं कह रहा कि ये नहीं चल रहा, अभी भी ये है और अभी थोड़ी देर में फिर इसको बताएंगे, लेकिन पुराना सिस्टम यही है जो काफी सालों से चला आ रहा है कि 2.5 लाख तक आपके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा, 2.5 लाख से ऊपर 5 लाख तक की अगर आपकी इनकम स्लैब में आती है तो यू आर नीडेड टू मेक द पेमेंट ऑफ 5% टैक्स इन एक्सेस ऑफ 2,50,000 बट अप टू ₹5 लाख। बट इफ योर इनकम इज बियॉन्ड 5 लाख, अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपए से
ऊपर चली जाती है और 10 लाख तक आ जाती है। तो वहां पर गवर्नमेंट ने कहा ठीक है, 5 लाख से ऊपर अभी तक आप 5% टैक्स दे रहे थे, अब सीधे सीधे आप 20% टैक्स रेट दे दो। 5 लाख तक आप 5% दो, 5 लाख से 10%, 10 लाख के अंदर आप 20% टैक्स दे दो, और 10 लाख के ऊपर जो भी इनकम होगी सब पर 30% का टैक्स लगा देना। सर समझ में नहीं आया, गवर्नमेंट ने ये कहा कि अगर आपकी इनकम 12 लाख रुपए है, ठीक है, तो इसको पहले 2.5 लाख किनारे कर लो, इस पर टैक्स लगेगा आपका 0, नेक्स्ट 2.5 लाख फिर पकड़ो, 5 लाख तक हो गया ना, इस पर टैक्स रेट लगेगा 5%, 12,500, 5 लाख तक किनारे हो गया। अब नया सीढ़ी चढ़े तो नेक्स्ट 5 लाख उठाओ, 10 लाख तक ले चलो, इस पर टैक्स रेट है 20%, 1 लाख। अब बाकी जो बचा 2 लाख, इसका 30% ले लो, 60,000। अब समझ में आया स्लैब कैसे काम कर रहा है। मैंने कहा 7,80,000 आपकी इनकम है, कितनी इनकम है, तो आप कहेंगे सर पहला 2.5 लाख तो माफ है, उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, दूसरे 2.5 लाख पर 5% के हिसाब से टैक्स रेट है, मानते हो ना इसको, और बाकी 5 लाख से ऊपर, 5 लाख तो हो गया, 10 लाख तक, यानी सब इसी में ही आ गया, 2,80,000, इस पर 20% के हिसाब से है 56,000। बोलो ना, अगर आपकी इनकम 4,70,000 रुपए है तो पहले का 2.5 लाख अलग कर लो, इस पर टैक्स रेट लगेगा 0, दूसरा 2.5 लाख लगा दो, अच्छा 2,20,000, बहुत बढ़िया, इस पर 5% ले लो, ऐसे करना है। स्लैब्स हैं, हटा दें इसको, ये ट्रेडिशनल सिस्टम था। अब गवर्नमेंट ने कहा कि भाई एक काम करते हैं, हम आपको कुछ फायदा दे देते हैं लेकिन कुछ फायदा निकाल भी लेते हैं। भाई टैक्स बहुत कॉम्प्लिकेटेड है ना, है ना, हाँ, जब तुम लोगों को इतना दिक्कत होता है तो सोचो एक आम आम बंदे की बात क्या होगी, उसका तो बीमारी हो जाएगा बिल्कुल। तो उस बीमारी से बचने के लिए गवर्नमेंट ने कहा हम सिंप्लीफाई करना चाहते हैं सिस्टम को, हम नया टैक्स रेजिम ले आ रहे हैं। कौन सा? जो कहा गया अंडर सेक्शन 115 डीएसी, जो आज हम लोग देखने जा रहे हैं, अभी हम आराम से देखेंगे, इस चैप्टर को टेंशन ना लेना। 115 डीएसी हम लोग इस सेक्शन को देखने जा रहे हैं, ये न्यू टैक्स रिजिम है और ये डिफॉल्ट टैक्स रिजिम है। यानी जब आप ऑनलाइन पोर्टल पे जाएंगे तो आपका ये ऑलरेडी टिक्ड रहेगा। अगर आप इसमें नहीं जाना चाहते और आप चाहते हैं पुराने वाले सिस्टम को ही फॉलो करना, तो यहां से आपको ऑप्ट आउट करना पड़ेगा या शिफ्टिंग आउट करना पड़ेगा कि हम न्यू टैक्स रिजिम में नहीं जाना चाहते, वी जस्ट वॉन्ट टू फॉलो द ओल्ड सिस्टम। अब तक क्या था ये मैं बता रहा हूं, असेसमेंट ईयर 24-25 का, 23-24 तक क्या था कि ये हमारा जो न्यू टैक्स रेजिम आया था ये ऑप्शनल था और ये मैंडेटरी यानी डिफॉल्ट था ट्रेडिशनल वाला। लेकिन हमने क्या कहा, गवर्नमेंट का पर्पज है धीरे धीरे इस सिस्टम को हटाओ और मैंडेटरी उसको कर दो, हाँ या ना। तो गवर्नमेंट ने देखो आज की डेट में इसको मैंडेटरी कर दिया, लेकिन ये भी साथ में है, लेकिन इसको हटाना बाकी रह गया है। बोलो, तो हुआ क्या कि अब न्यू टैक्स रिजिम हम पहले पढ़ ले, जो डिफॉल्ट टैक्स सिस्टम है ये क्या बोलता है, इसने भी स्लैब दे रखे हैं। और जितना भी हम लोगों ने आज तक पढ़ा है ना सेठ जी, जितना भी हम लोगों ने आज तक पढ़ा है नॉर्मल टैक्सेशन सिस्टम में, क्या पढ़ा है कि ये सेक्शन 16(1) होता है
ये सेक्शन 16(2) होता है, ये सेक्शन 3 होता है, ये स्टैंडर्ड डिडक्शन है, ये एंटरटेनमेंट अलाउंसेस है, ये प्रोफेशनल टैक्स है, ये तीनों डिडक्शन सैलरी के समय मिलते हैं। कहां से मिलते हैं? जब हम हाउस प्रॉपर्टी में बात करते हैं तो वहां 24A और 24B मिलता है ना, है ना। देखो ना, डिडक्शंस हर किसी चैप्टर के अलग अलग है। ऐसे ही जब पीजीबीपी की बात करते हैं तो सेक्शन 35 है, 35AD है ना, एडिशनल डेप्रिसिएशन है, ऐसे ही है ना, बेनिफिट मिलते हैं ना इन चीजों के, लेकिन हट करके मिलते हैं। नॉर्मल बेनिफिट नहीं है, नॉर्मल प्रोविजंस में है, ये टैक्स लॉ के प्रोविजन में है, लेकिन नॉर्मल सिस्टम से हट करके बेनिफिट मिलते हैं। गवर्नमेंट ने कहा एक काम करते हैं, हम आपको एक स्लैब नया दे दे रहे हैं। क्या दे दे रहे हैं? 3 लाख, 6 लाख, 9 लाख, 12 लाख, 15 लाख, बात खत्म। क्या 3 का मल्टीप्लिकेशन कर लो, 3, 6, 9, 12, 15। 3 लाख तक 0%, 6 लाख तक 5%, 9 लाख तक 10%, 12 लाख तक 15%, 15 लाख तक 20%, 15 लाख के ऊपर 30%, 25 नहीं आया बीच में, ठीक है ना। ये नया टैक्स सिस्टम गवर्नमेंट ने न्यू टैक्स लैब लॉन्च किए, ये डिफॉल्ट है। तीन लाख तक 3 से 6, 6 to 9, 9 to 12, 12 to 15 and 15 के एक्सेस जो भी है वो 30% में चला गया, और ये अब आपका डिफॉल्ट सिस्टम है। ये अब आपको ऑप्ट करना ही करना है, ऑटोमेटिकली दिखाई देगा, लेकिन अगर आप इसको स्विच करना चाहते हैं नॉर्मल प्रोविजन में तो क्लिक करना पड़ेगा, आप स्विच हो जाएंगे। पक्की बात है, यहां तक ये समझ में आया? इसके पिछले साल तक देखो ना, ये ऑप्शनल था, वो डिफॉल्ट था जो नॉर्मल वाला था। इस साल से उल्टा हो गया, क्या हो गया? 115 BAC कंपल्शन हो गया। तभी तो हम लोग बार बार कह रहे हैं कि अगर वो 115 BAC ना लिया होता तो क्या होता, इसीलिए सारे क्वेश्चंस में ऐसे ही पढ़ करके पहुंचे यहां पर, कि हम नॉर्मल सिस्टम को फॉलो कर रहे थे। किसको कर रहे थे? नॉर्मल सिस्टम को, जो पहले आते हुए देखा, 2.5 लाख तक 0 है, 2.5 लाख से 5 लाख तक 5% है, 5 से 10, 20% हो गया। क्यों? पक्की बात है। अच्छा, ये जो सिस्टम है किस किस के ऊपर एप्लीकेबल होता है बोलो? फर्म और कंपनी नहीं है। कौन कौन से इंडिविजुअल पर्सन होते हैं? इंडिविजुअल, HUF, फर्म, AOPBY, लोकल अथॉरिटी, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, कंपनी। देखो, इंडिविजुअल, HUF, AOPBY एंड आर्टिफिशियल, इंडिविजुअल, HUF, AOPBY, आर्टिफिशियल और लोकल भी है, नहीं है, ठीक है ना, इन चार लोगों के ऊपर एप्लीकेबल होता है 115 BAC, जिसमें ये स्लैब रेट दिए हुए हैं। यहां तक कोई दिक्कत है? ये हम पढ़ा दिए तुम लोग को, सेक्शन 4 अभी बताया ना, बताए थे ना, फिलहाल वो किनारे करो, वापस आओ। मैंने कहा गवर्नमेंट ने आपको ये स्लैब तो दिया है 115 BAC का, लेकिन कई सारी कंडीशंस ऐड करते हुए। आपको फायदा तो है लेकिन नुकसान भी दिया है, टैक्स रेट कम कर दिया, देखो ना, 5, 10, 15, 20, 30 ऐसे कर दिया, और 3 लाख तक सीधे सीधे माफ कर दिया। कह रहा है कि सैलरी चैप्टर जब हम पढ़ेंगे तो ये सारे डिडक्शन सब हमको नहीं मिलेंगे।
लीव ट्रेवल, हाउस रेंट अलाउंसेस 10-14, 10-6-17, 10-32, याद होगा 1500 रुपए का हर एक माइनर का माइनस होता था, वो अब नहीं मिलने वाला। क्या क्या नहीं मिल रहा है? पहला लीव ट्रेवल कंसेशन, हाउस रेंट अलाउंसेस सेक्शन 10 सबसेक्शन 14 डेली अलाउंसेस, सेक्शन 10 सबसेक्शन 17 डेली अलाउंसेस फॉर एमपी एमएलएस, सेक्शन 10-32 1500 रुपए माइनर वाला एग्जेम्पशन, 10AA SEZ का टैक्स हॉलीडे वाला एक डिडक्शन, और एंटरटेनमेंट अलाउंसेस और प्रोफेशनल टैक्स का बेनिफिट नहीं मिलेगा। हाँ, स्टैंडर्ड डिडक्शन अभी भी आपको मिलती है। स्टैंडर्ड डिडक्शन अभी भी आपको मिलेगी। ठीक है, हम लोग को सेक्शन 16 में केवल एंटरटेनमेंट अलाउंसेस और प्रोफेशनल टैक्स का बेनिफिट नहीं मिलेगा। जब हम हाउस प्रॉपर्टी पर आएंगे तो वहां दो डिडक्शन बोले गए थे, एक स्टैंडर्ड डिडक्शन और एक इंटरेस्ट ऑन लोन। तो यहां पर कहता है इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं मिलेगा सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का। अच्छा, केवल सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का नहीं मिलेगा, इसका मतलब लेट आउट प्रॉपर्टी का पूरा डिडक्शन जैसे मिल रहा था वैसे मिलेगा। और 24A नहीं मिलेगा कि मिलेगा? मिलेगा। 24B नहीं मिलेगा, स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा ही मिलेगा आपको। 24B इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं मिलेगा, केवल सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का। एडिशनल डेप्रिसिएशन, नॉर्मल डेप्रिसिएशन, यस यू कैन गेट द बेनिफिट ऑफ दैट, ये याद रखना। वो 40% तक का जो बताया था, नॉर्मल भाई नॉर्मल डेप्रिसिएशन आपको मिलेगा जो मिलता है, लेकिन एडिशनल डेप्रिसिएशन का फायदा अब आपको नहीं मिलेगा। अगर याद करो सेक्शन 35 में साइंटिफिक रिसर्च, तो जो अपना खर्चा है उसका डिडक्शन मिल जाएगा। क्या? जो अपना डिडक्शन है उसका खर्चा मिल जाएगा, लेकिन जो आउटर लोगों को देंगे, आउटसाइड एजेंसीज को, उसका डिडक्शन नहीं मिल रहा। बोलो भाई, जो 35AD है इन्वेस्टमेंट लिंक्ड इंसेंटिव्स, या जो स्पेसिफाइड बिजनेसेस थे उन पर जो हमने कैपिटल नेचर का खर्चा किया था और सेक्शन 35AD में हम उसका डिडक्शन ले लेते थे, अब वो भी नहीं मिलेगा। 80C से लेकर 80U तक का डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा, लेकिन मिलेगा केवल दो, 80CCH अग्निवीर वाला याद होगा, नहीं याद आया? दूसरा 80CCD2 NPS स्कीम वाला एम्प्लॉयर वाला, और 80JJAA एम्प्लॉयज न्यू रिक्रूटमेंट वाला, याद आया? ये तीन डिडक्शंस आपको मिलते हैं। कौन कौन से? एक तो NPS का एम्प्लॉयर का डिडक्शन, दूसरा अग्निवीर का 80CCH2, और लास्ट है आपका न्यू एम्प्लॉयज रिक्रूटमेंट का। हाँ या ना? ये तीन सेक्शन का एक एक पार्ट आपको डिडक्शन मिलता है। तो हमें कौन कौन से डिडक्शन या एग्जेम्पशंस नहीं मिलेंगे? सैलरी से अगर देखो तो लीव ट्रेवल कंसेशन, हाउस रेंट अलाउंसेस 10-14, 10-17, 10-32, ये एग्जेम्पशन और डिडक्शंस आपको नहीं मिलेंगे। 10AA इसका भी नहीं मिलने वाला। सेक्शन 16 बी एंड सी, टू एंड थ्री प्रोफेशनल टैक्स और एंटरटेनमेंट अलाउंसेस, इसका भी डिडक्शन आपको नहीं मिलने वाला। हो गया सैलरी। हाउस प्रॉपर्टी में हमको केवल इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं मिलेगा सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का। हाउस प्रॉपर्टी भी खत्म। पीजीपीपी की अगर बात करें तो एडिशनल डेप्रिसिएशन मना किया है, साइंटिफिक रिसर्च आउटर एजेंसीज को जो कंट्रीब्यूशन दिया गया वो मना किया है, 35AD मना किया हुआ है, 35AD स्पेसिफाइड बिजनेस या इन्वेस्टमेंट बेस्ड इंसेंटिव्स उनको मना किया हुआ है।
एट्टी सी से लेकर एट्टी यू तक का बेनिफिट नहीं मिलेगा, लेकिन तीन सेक्शंस हैं एट्टी सी सी डी टू, एट्टी सी सी एच टू और एट्टी सी जे जे ए ए, इनका बेनिफिट मिल जाएगा। चलें आगे, मेन यही था। ये अगर लिस्ट तैयार है तो समझ लो दिक्कत नहीं होगी क्वेश्चन सॉल्व करने में, अगर ये लिस्ट में कंफ्यूज हो गए तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, सर्टेन लॉसेस नॉट टू बी अलाउड, जब आप सेक्शन 115 बीएसी की बात करते हैं ना, तो कहता है जब आप प्रॉफिट, जब आप लॉस की बात करते हैं, वाइल कॉम्प्यूटिंग टोटल लॉस सेट ऑफ ऑफ एनी लॉस कैरिड फॉरवर्ड और डेप्रिसिएशन फ्रॉम अर्लियर ईयर, यानी कि अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन, तो कह रहे हैं अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन और ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस इफ सच और लॉस और डेप्रिसिएशन रिलेटेड टू वन अबव, अगर कोई लॉस जो ब्रॉड फॉरवर्ड किया जा रहा है, अगर कोई डेप्रिसिएशन जो ब्रॉड फॉरवर्ड हो रहा है एक तरह से, वो इन किसी से रिलेटेड है, तो उसका भी डिडक्शन अब नहीं मिलेगा। पिछले सालों का है, क्योंकि अब आप न्यू स्कीम में जा रहे हैं, न्यू टैक्स रेजिम में जा रहे हैं, तो अब उनसे रिलेटेड आपको कोई बेनिफिट इस साल तो मिलेगा, यानी पिछले साल का भी आप राइट सेट ऑफ नहीं कर पाएंगे, करंट ईयर में तो मिलेगा ही नहीं, लेकिन पिछले सालों वाला जो अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन या लॉसेस हैं कुछ ऐसे जो इन कैटेगरी से रिलेट करते जो हमने ऊपर लिस्ट बताई, तो वो आप एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। अच्छा, हाउस प्रॉपर्टी विद एनी अदर हेड ऑफ इनकम वुड नॉट बी अलाउड, हाउस प्रॉपर्टी को दूसरे हेड ऑफ इनकम से सेट ऑफ नहीं कर पाएंगे। 2 लाख तक था ना, खत्म। चलिए, अगर हाउस प्रॉपर्टी के हेड ऑफ इनकम में कोई लॉस है तो उसको हम दूसरे हेड ऑफ इनकम से एडजस्ट, याद रहेगा, याद रखना पड़ेगा, रहे ना रहे छूट जाएगा, सब गड़बड़ हो जाएगा। एग्जेम्पशन और डिडक्शन फॉर अलाउंसेस और परक्विजिट्स वाइल कॉम्प्यूटिंग टोटल इनकम, एनी एग्जेम्पशन और डिडक्शन फॉर अलाउंसेस और परक्विजिट बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड प्रोवाइडेड अंडर एनी अदर लॉ, मत पढ़ो छोड़ दो। अगर कोई दूसरा कोई परक्विजिट्स है या डिडक्शन है, अलाउंसेस है, जो इस लॉ में नहीं है, टैक्स लॉ में नहीं है, किसी दूसरे लॉ के हिसाब से, तो उसको टच मत करना, क्योंकि ये लॉ तो बोल ही नहीं रहा। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये बेसिकली पूरा का पूरा टॉपिक इंपॉर्टेंट है। चले, टोटल इनकम अंडर डिफॉल्ट टैक्स रिजिम शुड बी कॉम्प्यूटेड विदाउट सेट ऑफ एनी लॉस ब्रॉड फॉरवर्ड और डेप्रिसिएशन फ्रॉम एनी अर्लियर असेसमेंट ईयर वेयर सच लॉस और डेप्रिसिएशन इज एट्रिब्यूटेबल टू एनी वन ऑफ द डिडक्शन वन अबव, जो पूरी लिस्ट बताई उससे रिलेटेड है, तो such loss and depreciation would be deemed to have been already given effect to and no further deduction for such loss or depreciation shall be allowed for any subsequent year, aage uska koi benefit nahi milne wala, ho gaya, nayi baat maine bilkul nahi batayi, to nayi baat kya hai, ye hai jo ab main bolne ja raha hu, kaha kya ki 22-23 previous year tha aur yahan par unabsorbed depreciation hai 5 lakh और टोटल डेप्रिसिएशन उस समय था 8 लाख, बोलो ना, जिसमें से अनएब्जॉर्ब कितना है, क्योंकि हमारे पास प्रॉफिट अवेलेबल ही नहीं था डिडक्शन लेने के लिए, तो हमने अपनी बैलेंस शीट में एक तरह से WDV कितनी दिखा दी होगी एसेट की, ओपनिंग मान लेते हैं 15 लाख था, 35 लाख था, और माइनस डेप्रिसिएशन कर दिया कितना, 8 लाख, कितना, तो हमारा WDV कितना बचा, और हम इसको PL के डेबिट में लेके, टैक्स लॉ के हिसाब से बात कर रहा हूं, यहां डेप्रिसिएशन कितना लिखा, क्योंकि प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स मेरे पास केवल 5 लाख ही था, और डेप्रिसिएशन टोटल कितना है, तो हम कितना माइनस कर सकते हैं, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना हो गया,
हमने ये किया था और हम क्या किए कि 3 लाख हमने सोचा अगले साल एडजस्ट कर लेंगे, 3 लाख अगले साल एडजस्ट कर लेंगे, यही तो होता है ना अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन, 3 लाख दिख रहा है ना ये टैक्स लॉ के हिसाब से। लेकिन अगले साल का मतलब ये असेसमेंट ईयर 24-25, और हमने ऑप्ट कर लिया 115 बीएसई, इसका मतलब ये इस साल अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन आपको नहीं मिलने वाला, बेनिफिट नहीं मिलेगा। कहां से मिल जाएगा, मना किया है ना, नहीं मिलेगा जब आप 115 एबीसी में जाएंगे, सॉरी बीएसई में जाएंगे तो, ठीक है ना, आपको नहीं मिलेगा। तो क्या करें, ये छूट जाने दें, क्या करें? मैंने तो पहले भी कहा था कि डेप्रिसिएशन इज एन अलाउंस, एवन गवर्नमेंट कैन नॉट स्टॉप यू टू गेट द बेनिफिट ऑफ डेप्रिसिएशन, एनी हाउ यू कैन क्लेम एनी हाउ, देयर आर सो मेनी डिफरेंट वेज। तो अब तो ये मना कर दिया, ये 3 लाख तो मेरा बर्बाद हो जाएगा, कहा गया ना जितना आप एडजस्ट नहीं कर पाए हैं वापस आप अपनी WDV बढ़ा लीजिए 3 लाख से, माइनस कितना होना चाहिए था, माइनस कर लो, यानी कि आपके पास कितना बचा, आप एसेट की WDV बढ़ा लो ना, समझ में आया? क्यों? क्योंकि हमको अब एक्सेस डेप्रिसिएशन का बेनिफिट, अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन का बेनिफिट नहीं मिल रहा, तो जितना बेनिफिट नहीं मिल रहा तो जहां से माइनस किए थे उसको वापस आकर के वहां ऐड कर लो, अब तो ठीक है। ये वही कहानी बोला है, पढ़ू या रहने दो, रहने दो। वेयर इनकम टैक्स ऑन टोटल इनकम ऑफ द एसएससी इज कॉम्प्यूटेड अंडर दिस सेक्शन एंड देयर इज अ डेप्रिसिएशन अलाउंसेस इन रेस्पेक्ट ऑफ द ब्लॉक ऑफ एसेट फ्रॉम एन अर्लियर असेसमेंट ईयर अनअब्सॉर्ब एट्रीब्यूटेबल टू एडिशनल डेप्रिसिएशन विच हैज नॉट बीन गिवन अ फुल इफेक्ट प्रायर टू 24-5 and which is not allowed to be set off in any previous year and to allowed one and छोड़ देते हैं, corresponding adjustment shall be made to the WDV of the asset, जितना आपको disallow हो रहा है अब benefit नहीं मिल पाएगा उतने का corresponding adjustment shall be made to the WDV of block of asset as on 1st April 23। तो जो साल का ये वाला शुरुआत है 1st April 23 वापस उसमें add कर लो। ठीक है ना, ये नीचे एग्जाम्पल दिया छोड़ देते हैं, किसी काम का नहीं है। वैसे तो ये पूरा का पूरा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, 115 बीएससी बहुत इंपॉर्टेंट है। जरा देखो, टाइम लिमिट फॉर एक्सरसाइजिंग द ऑप्शन टू शिफ्ट आउट ऑफ द डिफॉल्ट टैक्स रेजिम, टाइम लिमिट। सर टाइम लिमिट क्यों दिया है, काहे के लिए? कहा गया अगर किसी एसएससी को 30 सितंबर तक आईटीआर भरनी है, कब तक? 30 सितंबर तक अपनी आईटीआर भरते समय वो अपना हिसाब बता देगा कहां जाना चाहता है। अब अगर उसने नहीं बताया और बाद में रिटर्न दाखिल कर रहा है तो भी ऑप्शन उसके पास आएगा, लेकिन अगर उसका बिजनेस एंड प्रोफेशन है अब ये ऑप्शन उसके पास नहीं रहेगा। अगर नॉर्मल एसएससी है बिना पीजीबीपी के तब तो उसको ऑप्शन दिखाएगा कि डिफॉल्ट टैक्स रिजिम में जाना है या उसको स्विच ऑफ करना है। डिफॉल्ट क्या है, ये जो बता रहे नए वाले स्लैब, न्यू टैक्स रिजिम। लेकिन अगर बिजनेस प्रोफेशन है तो भैया आपके पास ये मौका केवल रिटर्न दाखिल करने तक का ही है। एक बार अगर आपने रिटर्न भरने में चूक कर ली तो अब आपका ये मौका भी खत्म हो गया। केवल इतना ही नहीं है,
मजा तो अब आएगा। जब ये बोला कि इसके पास बिजनेस प्रोफेशन की इनकम नहीं है, तो कहा गया कि ये ऑप्शन स्विच आउट का दिखाएगा, ऑप्शन ऑप्ट आउट का दिखाएगा, हर साल दिखाएगा। इस साल आपने उसको टॉगल ऑन कर दिया, अगले साल टॉगल डाउन कर दिया, अगले साल फिर टॉगल ऑन कर दिया, फिर टॉगल डाउन कर दिया, आपके ऊपर है, स्विच ऑन स्विच ऑफ करते रहो। एक साल आपने ऑप्शन ले लिया, अगले साल ऑप्शन ना लो, अगर बिजनेस प्रोफेशन नहीं है तो कोई टेंशन है ही नहीं, आप हर साल अपना सिस्टम बदल सकते हो। बोलो, लेकिन अगर बिजनेस और प्रोफेशन है तो कहा गया द ऑप्शन हैज टू बी एक्सरसाइज ऑन और बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम अंडर सेक्शन 139 फॉर फर्निशिंग द रिटर्न ऑफ इनकम फॉर सच प्रीवियस ईयर एंड वंस सच ऑप्शन इज एक्सरसाइज, वो अगले सालों के लिए भी एप्लीकेबल हो जाएगा। इस बार अगर आपने एक्सरसाइज ऑप्शन ऑप्शन को एक्सरसाइज कर लिया, अगले साल भी वही चलेगा। यानी डिफॉल्ट टैक्स सिस्टम से अगर आपको हटना है, आप जो टॉगल दिया है उसको ऑफ कर देंगे, बटन को ऑफ कर देंगे। बोलो, तो आप हट जाएंगे वहां से, और एक बार हट गए तो हमेशा हटे रहेंगे, यानी फिर नॉर्मल प्रोविजन में ही आप जाएंगे। सच पर्सन हु हैज एक्सरसाइज द अबव ऑप्शन ऑफ स्विचिंग आउट द डिफॉल्ट टैक्स रिजिम फॉर एनी प्रीवियस ईयर शैल बी एबल टू विथड्रॉ सच ऑप्शन ओनली वंस। एक बार केवल, एंड पे टैक्स अंडर द डिफॉल्ट टैक्स रिजिम फॉर अ प्रीवियस ईयर अदर देन द ईयर इन विच इट वॉज एक्सरसाइज। ठीक है, देयर आफ्टर सच पर्सन शैल नेवर बी एलिजिबल टू एक्सरसाइज द ऑप्शन अंडर दिस सेक्शन एक्सेप्ट वेयर सच पर्सन सीजेस टू हैव एनी बिजनेस इनकम इन विच केस ऑप्शन वन वुड बी अप्लाइड। जब जब तक बिजनेस प्रोफेशन रहेगा, अब वही ऑप्शन उसका चलता रहेगा, जब तक बिजनेस प्रोफेशन चलेगा वो ऑप्शन उसका चिपक जाएगा, जब उसका बिजनेस सीज हो जाएगा, बंद हो जाएगा, डिसकंटिन्यू हो जाएगा, तो उसके बाद फिर टॉगल ऑन ऑफ करने का सिस्टम आ जाएगा हर साल। यानी अगर पीजीबीपी है तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, पीजीबीपी नहीं है तो नॉट टू वरी, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। जब आप इस पर्टिकुलर सेक्शन में जाते हैं 115 बीएसी, तो 115 जेसी हट जाता है। यह है अल्टरनेटिव मिनिमम टैक्स। एक चैप्टर पढ़ोगे मैट क्या, और एक पढ़ोगे एएमटी। ये मैट कंपनीज के लिए होता है, ये अदर देन कंपनीज होता है। मैट के प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होंगे अगर आप 115 बीएसई में चले गए, तो वो केवल नॉर्मल प्रोविजन के साथ एप्लीकेबल होंगे। ठीक है, कॉमन सेंस वाली चीज। छोटा सा क्वेश्चन है, कहता है मिस्टर एक्स हैड अ टोटल इनकम कितने रुपए की, 23-24 में, कंप्राइजिंग ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी एंड इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट, कंप्यूट द टैक्स लायबिलिटी अंडर द डिफॉल्ट टैक्स रिजिम। तो डिफॉल्ट टैक्स रिजिम तो अब आपको मालूम है ना, बेनिफिट वाला है, 3 लाख तक अलग करोगे, 6, 9, 12, 15, 15 से ऊपर 1 लाख, 3, 6, 9, 12, 15 ऊपर छूट गया, ठीक है ना, 15 के ऊपर 1, 16 कर लोगे, 5, 10, 15, 20, 30 पहले वाले में 0, आपका आ जाएगा 1,87,200 एचएससी को मिलाकर। सरचार्ज कब लगता है, एचएससी कब लगता है, मैंने अभी नहीं बताया, इसलिए हम एचएससी को मारते हैं गोली।
समझ में आया पक्का? ये जो सेक्शन था 115 बीएसी कितने लोगों पर लगता है? इंडिविजुअल, एचएफ, एओपी, बीओआई और आर्टिफिशियल। ये कर लोगे ना, सिंपल है। अब आते हैं स्विच आउट करने का या ऑप्ट आउट करने पर। अब आप नॉर्मल टैक्स प्रोविजंस में चले जाते हैं, कहां चले जाते हैं? और नॉर्मल में आपके लिए सबसे पहले मैं बात करूंगा इंडिविजुअल की, और आज केवल इंडिविजुअल की बात करके छोड़ देंगे। ये आपको बिल्कुल दिमाग में सेट होना चाहिए, मैं फिर बोल रहा हूं, ये जितनी भी चीजें हम बता रहे हैं ये बिल्कुल दिमाग में सेट होना चाहिए। अगर आपको ये लगता है आपको याद रहेगा तो आप बहुत बड़ी गलत फैमिली में हैं। ये भी एक घंटे बाद भूलना स्टार्ट हो जाएगा। जब हम नॉर्मल टैक्स लॉस की बात करते हैं तो सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे इंडिविजुअल की। किसकी बात करेंगे? इंडिविजुअल जिसकी एज बिलो 60 है। इंडिविजुअल जिसकी एज 60 ईयर और मोर है बट अप टू 80 इयर्स, मोर देन 80 इयर्स। अगर हम बात करें इंडिविजुअल की तो मैंने तो आज यही बताया ना, 2.5 लाख तक जीरो, 250 से 5 लाख तक 5%, 5 लाख टू 10 लाख आपका 20%, 10 लाख के ऊपर 30%। ये है, ये कहां से आ रहा है सर? 5 लाख के ऊपर, तो 5 लाख का 5% कितना होता है? 12,500। अरे सॉरी, 2.5 लाख का 5% कितना होता है? 12,500। बोलो ना। लेकिन अगर कोई बंदा सीनियर सिटीजन है, यहां पर तो 2.5 लाख तक माफ है, अप टू 2.5 लाख क्या है? लेकिन अगर कोई सीनियर सिटीजन है, ये सीनियर सिटीजन है, ये सुपर सीनियर सिटीजन है। कहा गया पहले वाले में 2.5 लाख माफ है, दूसरे वाले में 3 लाख माफ है, यानी इस केस में 3 लाख तक जीरो और 3 to 5 के अंदर होगा और 5 to 10 होगा, 10 अब होगा। अगर मोर देन 80 इयर्स है तो इसको हम लोग सुपर सीनियर सिटीजन बोलते हैं, ठीक है ना? और सुपर सीनियर सिटीजन में 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख नहीं है, सीधे 5 लाख तक माफ है। पांच लाख से 10 लाख कितना हो जाएगा? 10 लाख है बॉ, कितना हो जाएगा? याद रहेगा, बस इतना याद करके तुम लोग को आना है। ये छोटा मोटा पॉइंट मत समझना, ये समझ लो एग्जाम के सीधे सीधे 15 मार्क्स तैयार हो रहे हैं। अब कितने? 15 मार्क्स की तैयारी स्टार्ट हो गई है, क्योंकि अगर ये चैप्टर ढंग से कर लोगे तो ही हम कॉम्पिटिशन ऑफ टोटल इनकम बता पाएंगे, उसमें बीएससी लेना है या नहीं लेना है वो हम बता पाएंगे। मेहनत उसमें करनी है, वो तब होगा जब तुम लोग ये पूरी तरह से दिमाग में सेट किए रहोगे। पक्का? फिर से दोबारा बोलने की जरूरत नहीं है ना, तुम लोग ये मत पढ़ के आना, ऊपर वाला कर देंगे।
टाटा बोले पक्का कि पूछें?